हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ आरकेज गेमर। गाइस मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एकदम न्यू वीडियो। तो गाइस वीडियो को बिना स्किप करिए, एंजॉय करिए। तो रुको, जरा सबर करो। तो गाइस क्या आप लोग को पता है जो हमारे ज्ञान भाई हैं उनकी आईडी पे वी बैच क्यों नहीं है अदर यूट्यूबर की तरह, जिसके पास बहुत सारे वी बैच है पर ज्ञान भाई की आईडी में वी बैच नहीं है। क्या आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया? अगर नहीं किया तो मैं आगे बताने वाला हूँ कि ज्ञान भाई की गेमिंग में वी बैच क्यों नहीं है और उन्होंने क्यों नहीं लिया। अगर उनको मिल रहा था तो वी बैच क्यों नहीं लिया। तो ऐसे ही मैं उनके बारे में दो तीन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना यार। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, मतलब बताओ ना, वीडियो को शेयर कर रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी मतलब आप लोग के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ यार। अपना कंटेंट भी मैंने मतलब लग रहा है बहुत ज्यादा ही मैंने इंप्रूव कर लिया है। थंबनेल यहाँ पे बहुत कुछ मैंने इंप्रूव किया है, बट आप लोग यार फिर भी चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे हो। तो प्लीज यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ आप लोग अपना और हो सके तो यार वीडियो को शेयर करना। रुको जरा, बढ़ते हैं हम यहाँ पे सबर करो। यहाँ पे ज्ञान भाई के जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो उनका फैक्ट नंबर वन की बात करते हैं। तो गाइस पता है क्या ज्ञान भाई की, उन्होंने ज्ञान भाई का जो चैनल है वो इंडिया पे कितने नंबर पे रैंक करता है? तो गाइस अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ज्ञान भाई का जो चैनल है इंडिया में 143 नंबर पे रैंक करता है और अगर खाली गेमिंग की बात की जाए तो 93 नंबर पे उनका चैनल रैंक करता है। तो ये वाली बात आपको पता थी कि नहीं, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना। और ऐसे ही मैं आपको और एक दो तीन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपका उनके चैनल पे वी बैच क्यों नहीं है। और गाइज अगर अभी तक चैनल पे बने हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो गाइज बढ़ते हैं यहाँ पे हम अपने फैक्ट नंबर टू की तरफ। क्या गाइज आप लोग को उनकी मंथली इनकम पता है? उनकी मंथली इनकम कितनी हो सकती है? कितने लोग बोलेंगे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कुछ कि ऐसे ही उनकी मंथली इनकम होगी। पर यहाँ पे गाइज उनकी मंथली इनकम 18 लाख रुपए है। यहाँ पे सोशल बेड पे उनकी इनकम मंथली 18 लाख रुपए दिखा रहा है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे डॉलर पे दिखा है, मैं यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ कि उनकी मंथली इनकम कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 18 लाख रुपीज दिखा रहा है, बट ऐसा नहीं है उनकी मंथली इनकम 18 लाख है, बट हाँ 10-15 लाख, तो 10 लाख के करीब उनकी इनकम यहाँ पे होगी। जो हमारा जो सोशल बेड है वो थोड़ी इनकम हल्की सी ज़्यादा बढ़ा के दिखाता है, बट उनकी इनकम यहाँ पे 8-10 लाख रुपए होगी, तभी उन्होंने जाके अभी BMW Z4 ली है, वो भी 1 करोड़ रुपए की। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ फैक्ट नंबर 3। तो गाइज पता है जो हमारे ज्ञान भाई वो राइस्टार से कैसे मिले थे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्ञान भाई एक 2017-18 में गेम खेल रहे थे, उसी में राइस्टार ने उनकी पूरी स्क्वाड को मार दिया था और वहां से वो दोनों दोस्त बने थे और ज्ञान भाई को उनका गेम प्ले बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, तभी से ज्ञान भाई राइस्टार के दोस्त बने और ज्ञान भाई ने ही राइस्टार को रिक्वेस्ट भेजा था ये। और जो राय स्टार जो है वो ज्ञान गेमिंग के चलते ही यूट्यूब पे आए थे, ये वाली बात अगर आपको पता है कि नहीं नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना। तो अब ये सब बात हो गई, अब हम अपने बढ़ते हैं लास्ट पैक की तरफ। तो ज्ञान भाई की आईडी में वी बैच क्यों नहीं है? तो गाइस देखो, जो हम लोग का जो वी बैच होता है उसको लेने के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन टाइप के होते हैं, जैसे कि आपको स्पोर्ट्स मैच खेलना पड़ेगा, जो फ्री फायर के बहुत सारे ऐसे जो रहते हैं पोस्ट रहते हैं वो आपको करना पड़ेगा, जैसे उनका टूर्नामेंट का मेंबर रहना पड़ेगा और उनसे पार्टनर प्रोग्राम पे भी आपको रहना पड़ेगा, तभी जाके आपको वी बैच यहाँ पे मिल सकता है। तो बट ज्ञान भाई ऐसा नहीं करते हैं, ज्ञान भाई सिर्फ अपना लाइव स्ट्रीम करते हैं, जैसे कितने सारे अदर यूट्यूबर होते हैं, जितने भी कोई भी फ्री फायर का यहाँ पे अपडेट आता है, एडवांस सर्वर आ गया, कुछ भी आ गया, आप लोग देखते होंगे कि अदर यूट्यूबर उसके ऊपर तुरंत वीडियो लेके आते होंगे, चाहे वो अनग्रेजुएट गेमर हो, बहुत सारे हो, उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। एक अलग से मान लो आप लोग को एक रूल रेगुलेशन के साथ रहना पड़ेगा, बुई ऐप पे आपको खेलना पड़ेगा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो करनी पड़ती है, तब जाके आपको मतलब फ्री फायर के एक तरह से आपको अंडर पे रहना पड़ेगा, तब जाके आपको करना है। बट ज्ञान भाई ऐसा नहीं करते हैं और ज्ञान भाई सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइव स्ट्रीम करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे कि ज्ञान भाई की जो वीडियो है उन पर कभी वो एडवांस सर्वर के ऊपर मान लो वीडियो बनाते हैं, तो कभी वो एक तरह से वो वाली वीडियो नहीं बनाते हैं, अपडेट के ऊपर वीडियो नहीं बनाते होंगे या फिर भूई ऐप पे ये करना वो करना, बहुत सारी ऐसी वीडियो नहीं बनाते हैं या टूर्नामेंट्स भी जाते नहीं खेलते होंगे, इसलिए उनके पास वी बैज नहीं है। तो गाइस यही था वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और गाइस देख सकते हो मैं आपके लिए वीडियो कितनी छोटी बना रहा हूं। इसी तरह से गाइस टोटल गेमिंग के पास भी नहीं है क्योंकि ये लोग सिर्फ लाइव स्ट्रीम करते हैं और जो बाकी यूट्यूबर है जैसे AS हो गया या फिर AS भी नहीं करता, जैसे मान लो अनग्रेजुएट गेमर्स हो गया और एक दो हैं गेमर, उन पे वी बैज है। यही कारण है कि वो लोग देखते होंगे कि फ्री फायर जितनी अपडेट है वो सारी अपडेट देते हैं, तो बस इसी कारण से उन लोग को वी बैज यहाँ पे मिला हुआ है और उन बस पार्टनर प्रोग्राम पे उन लोग को रहना होता है, तभी जाके उन लोग को वी बैज मिलता है। जो नहीं रहता है, जो अलग से रहता है, तो उनको नहीं मिलता है। तो बस गाइस यही था वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। गाइस मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और अपना सपोर्ट दिखाओ। तब तक के लिए बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।